हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस चीफ को दिखाया जाता है जिनसे बहुत सारे रिपोर्टर इस शहर में घूम रहे एक सीरियल किलर के बारे में पूछ रहे होते हैं। पुलिस चीफ उनको बताते हैं कि मैं जानता हूँ शहर में एक बहुत डेंजरस सीरियल किलर घूम रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर लॉरिस को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, इसी वजह से सब लोग उसके पास से जा रहे होते हैं। तभी लॉरिस का बॉस वहाँ पर आता है और उसको बाहर रखे पुतलों को अंदर लाने को कहता है, जिसके साथ वो वहाँ बैठी एक औरत के बारे में उसको कुछ बताने लगता है। लॉरिस का बॉस उस औरत को देखकर ये बोलता है कि ऐसी औरतें बहुत जल्दी पट जाती हैं क्योंकि इनका कैरेक्टर सही नहीं होता। अब इससे पहले लॉरिस उस औरत को पीछे मुड़कर देख पाता, इतने में ही उस औरत की जगह वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। बॉस के जाने के बाद लॉरिस पीछे मुड़कर उस बूढ़ी औरत को देखता है। उसको लगता है कि शायद उसका बॉस इसी औरत के बारे में बात कर रहा होगा। लॉरिस उस बूढ़ी औरत को अजीब से इशारे करने लगता है जिससे वो बूढ़ी औरत अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से जाने लगती है। लॉरिस भी उसके पीछे जाने लगता है। वो औरत एक जगह पर जाकर जरा सा झुक जाती है जिसको लॉरिस एक प्रकार का हिंट समझ लेता है और उसकी बैक पर एक स्लैप मार देता है। तभी वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर इससे पहले वहाँ पर कोई आता लॉरिस वहाँ से भाग जाता है। वो औरत बाहर आकर बाकी सभी औरतों को ये बताने लगती है कि एक अजीब सा आदमी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। लॉरिस वहाँ से बाहर जाकर अपने बॉस का बताया हुआ काम करने के लिए पार्किंग लॉट में चला जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आ जाती है। लॉरिस की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो औरत उसी वक्त वहाँ पर आती है जब लॉरिस के हाथ में लकड़ी काटने वाली चेनसॉ मशीन होती है जो लॉरिस से गलती से स्टार्ट हो जाती है। उससे वो मशीन नहीं संभलती और वो उस औरत की ओर जाने लगता है जिससे उस औरत को ये लगता है कि लॉरिस उसको जान से मारना चाहता है। वो उसको एक किलर समझकर वहाँ से पुलिस स्टेशन भाग जाती है जहाँ वो पुलिस वालों को लॉरिस के बारे में सब सच बता देती है। उसकी बातों से पुलिस वालों को ये लगता है कि शायद ये वही सीरियल किलर है जो शहर में आजकल घूमकर मासूम औरतों का खून कर रहा है। पुलिस वाले लॉरिस को इस केस में प्राइम सस्पेक्ट मान लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के बताए हुए हुलिये से वो लॉरिस का एक प्रिंट बना लेते हैं। वहीं लॉरिस अपनी सोसाइटी की एक मीटिंग में बैठा होता है। सामने स्टेज पर उसकी सोसाइटी का केयर टेकर सबको अपने बारे में कुछ बातें बता रहा होता है कि वो एक अच्छा आदमी है और इस बार सब उसको वोट देकर इस जगह का हेड बनाए। केयर टेकर के हटते ही लॉरिस ऊपर जाकर सबको अपने बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है जिसकी वजह से कई बार मुझे उन कामों के लिए दोषी माना जाता है जो कि मैंने कभी किए ही नहीं होते हैं। पता नहीं मैं उस जगह कैसे पहुंच जाता हूं जहां मुसीबत होती है, लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं एक अच्छा आदमी हूं। इसीलिए केयर टेकर की जगह मुझको वोट देकर इस जगह का हेड बना दो क्योंकि वो एक बुरा आदमी है, वो तो जल्दी यहां से हट जाएगा। ये बात सुनकर केयर टेकर लॉरिस के पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से वो एक जगह पर ऊपर चढ़ जाता है। तभी एक बच्ची उसकी आंखों में एक टॉय गन से पानी मार देती है और वो उस जगह से गिरकर बास्केटबॉल के नेट में फंस जाता है। वहाँ से निकलकर लॉरिस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ थोड़ी देर बाद केयर टेकर एक आदमी को लॉरिस का अपार्टमेंट खरीदवाने के लिए लेकर आता है। वो उसको लॉरिस का अपार्टमेंट दिखाते हुए ये कहता है कि ये आदमी तो जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन लॉरिस भी बहुत स्मार्ट है, वो तभी फेक कॉल पर लग जाता है और उस आदमी के सामने इस बिल्डिंग की सारी दिक्कतें यानी कि इसमें होने वाली चोरियां और केयर टेकर के फ्रॉड होने के बारे में बातें करने लगता है, जिसको सुनकर उस आए हुए आदमी को ये जगह सही नहीं लगती और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसकी वजह से केयर टेकर लॉरिस को धमकी देते हुए ये कहता है कि तुमको तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद ही बिल्डिंग के बच्चे लॉरिस को परेशान करने के लिए उसके घर में एक मरी हुई बिल्ली को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लॉरिस की उन बच्चों से लड़ाई हो जाती है और वो उन बच्चों के घर में भी उसी मरी हुई बिल्ली को फेंक आता है। जिसके बाद वो एक कैफे में कॉफी लेने के लिए चला जाता है जहाँ उसको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे बाहर जाने लगता है। उसके पीछे जाते हुए वो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी की जलती हुई सिगरेट लॉरिस के पैंट में गिर जाती है। उधर बाहर जाकर उस लड़की की सब्जियां भी गिर जाती है। वो उनको उठाने के लिए जैसे नीचे झुकती है तभी पीछे से लॉरिस भी आ जाता है। लॉरिस को अचानक उसकी पैंट के अंदर आग सी महसूस होने लगती है और देखते ही देखते उसके पैंट के अंदर पड़ी सिगरेट की वजह से
उसको बहुत जलन होने लगती है, जिसको कम करने के लिए वो वहाँ पर रखा हुआ सोडा अपनी पैंट में डाल लेता है। वो लड़की भी उसको देख रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको देखकर गंदे इशारे कर रहा है, जिसकी वजह से बेचारे लॉरिस को एक बार फिर से गलत समझ लिया जाता है। अब लॉरिस वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है, तभी एक दुकान की ओनर उसको पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसे मैंने बहुत सारे पैसे उधार दिए थे, पर इसने उन पैसों को अभी तक नहीं लौटाया। दुकान की ओनर लॉरिस के पीछे बहुत दूर तक भागती है, लॉरिस उससे अपनी जान बालकनी पर लटक कर बचाता है। पर हाय रे लॉरिस की फूटी किस्मत, वहाँ पर भी एक लड़की कपड़े सुखाने आ जाती है और लॉरिस भी उसको घूरने लगता है। इसके बाद लॉरिस एक मॉल में जाता है और वहाँ का सामान चुराने के लिए अपना दिमाग चलाता है। वो धीरे धीरे करके वहाँ खड़े सभी कस्टमर्स के बैग में एक सामान डालने लगता है जिन्हें उन लोगों ने नहीं खरीदा था। मतलब कि ये सब लॉरिस का ट्रैप था, क्योंकि जब वो सब मॉल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है। अब जब मॉल की एक स्टाफ लेडी उस सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए उसके आर पार निकलती है तो लॉरिस चुपके से उसके सर में भी एक चीज लगा देता है, और उसके जाने पर भी अब सिस्टम का अलार्म बज रहा था। क्योंकि अब इतने सारे लोगों के जाने पर अलार्म बज रहा था, इसलिए मॉल वालों को लगता है कि उनका अलार्म खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो सबको बिना चेकिंग कर ही वहाँ से बाहर भेज देते हैं, जिसका फायदा उठाकर लॉरिस वहाँ से बहुत सारा सामान चुरा कर ले आता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसे भी चोरी कर सकता है। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ और उनका साथी एक डॉक्टर लॉरिस को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो स्टेशन में बैठी बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स को लॉरिस को पकड़ने का प्लान बताने लगते हैं। उनके हिसाब से लॉरिस को पकड़ने के लिए किसी एक फीमेल ऑफिसर को अंडरकवर जाकर उसका अगला शिकार बनना होगा, जिस पर चीफ का साथी डॉक्टर सभी फीमेल ऑफिसर को ये बताता है कि लॉरिस कोई साधारण सीरियल किलर नहीं है, वो एक अलग ही केस है। वो सबको लॉरिस के कुछ वीडियोस दिखाने लगता है जिसमें लॉरिस उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। फिर वो बालकनी वाली लड़की को बुरी नजर से देख रहा था और कैसे उसने एक बिल्ली को मारकर बच्चों के घर में फेंक दिया। पर इन सब चीजों की सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं कि लॉरिस इन सभी जगह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, उसकी तो बस किस्मत खराब थी जिसकी वजह से लोग उसको गलत समझ लेते हैं। लॉरिस की ये सारी वीडियोस देखकर सभी फीमेल ऑफिसर्स को ये लगता है कि लॉरिस एक साइकोपैथ है और लड़की को गलत नजर से देखने वाला एक सीरियल किलर। सबको वो डेंजरस लगता है, इसीलिए सब वहाँ से उठकर चली जाती है, सिवाय एक फीमेल ऑफिसर जेसिका के, जिसकी वजह से जेसिका को ही लॉरिस के केस पर लगा दिया जाता है। जेसिका अगले दिन ही उस मॉल में चली जाती है जहां लॉरिस काम किया करता था। लॉरिस वहां पर कुछ फीमेल डमीज को गाड़ी में भर रहा होता है, पर वो फिट नहीं होती, जिसकी वजह से लॉरिस को उन पुतलों को धक्का मारकर अंदर करना पड़ता है। पर जेसिका को तो ऊपर से कुछ और ही दिख रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि लॉरिस फीमेल डमीज के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से लॉरिस को गलत समझ लिया जाता है। थोड़ी देर बाद जेसिका लॉरिस की बिल्डिंग के केयरटेकर के साथ उसके घर को देखने भी जाती है, जिधर वो चुपके से उसके कमरे को चेक करने लगती है, लेकिन तभी वो लॉरिस को देखकर डर जाती है। उस बिल्डिंग का केयरटेकर जेसिका को बोलता है कि तुम कहीं और रूम ले लो, जिसको सुनकर जेसिका नीचे जाने लगती है। केयरटेकर के जाते ही लॉरिस खिड़की के रास्ते से जेसिका से पहले नीचे पहुंचकर उससे बात करने लगता है कि अगर तुमको ये रूम चाहिए तो तुम रात को यहाँ आ जाना, मैं तुमको ये रूम दे दूंगा, जिस पर जेसिका उससे ये पूछती है कि रात में ही क्यों, जिसको लॉरिस बताता है कि दिन में तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ का केयरटेकर बहुत कमीना है, वो तुमको यहाँ नहीं रहने देगा। अब जेसिका तो यहीं पर लॉरिस के साथ रहना चाहती थी, यही तो उसका मिशन है, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाती है और रात को अच्छे कपड़े पहनकर लॉरिस के पास आ जाती है। लॉरिस छुपते छुपाते उसे अपने रूम तक ले जाता है, पर लॉरिस के रूम तक जाने के सफर में उन दोनों को बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि रूम तक आते हुए रास्ते में एक हुक जेसिका को लगने ही वाला होता है, जिसको बचाने के लिए लॉरिस उसके आगे आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और जेसिका को ये लगता है कि लॉरिस उसको किस करने की कोशिश करने वाला है। उसका हाथ तुरंत पीछे उसकी बंदूक पर चला जाता है, पर लॉरिस उसको किस नहीं करता, इसीलिए जेसिका भी उसको कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ और उसका साथी डॉक्टर जेसिका से लॉरिस की एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेसिका बताती है कि उसने अभी तक तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर वो उसको थोड़ा सा अजीब जरूर लगा। डॉक्टर जेसिका को ये कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह
लॉरिस के अंदर के जानवर को जगाना होगा, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। उधर लॉरिस अपने बॉस को जेसिका के बारे में बताने लगता है कि उसके रूम में एक लड़की आई है जो हर वक्त उस पर नजर रखती है और उसको रिझाने की कोशिश करती रहती है। ऐसे में वो अपने बॉस से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका बॉस उसको कहता है कि तुम्हें उसके सामने बिल्कुल सख्त बनकर रहना होगा, उसके शरीर के जाल में मत फंसो, वो शायद तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है। घर जाते ही जेसिका लॉरिस को अपने शरीर से रिझाने लगती है ताकि वो उसके साथ कुछ करे और वो उसको पकड़ ले। लेकिन लॉरिस अब एक सख्त लौंडा बन चुका है, वो जेसिका के साथ कुछ भी नहीं करता, वो उसके सामने अपनी सख्ती बरकरार रखता है। जेसिका ये बात जाकर डॉक्टर से बताती है कि लॉरिस ने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया और अब वो ये सब और नहीं करना चाहती क्योंकि उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है। जिस पर डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, लॉरिस के अंदर का जानवर अब बस बाहर निकलने ही वाला है, तुम अपनी कोशिश करती रहो, आज शाम को मैं लॉरिस से कुछ और बनकर मिलने आऊंगा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। वहीं दूसरी ओर इन बातों से बिल्कुल अनजान लॉरिस अपने चाइनीज प्रोफेसर से चाइनीज सीख रहा होता है ताकि उसको किसी चाइनीज कंपनी में जॉब मिल जाए। उसका प्रोफेसर जानता था कि लॉरिस की किस्मत कितनी खराब है, इसीलिए वो उसको गुड लक के लिए एक छोटी सी मिट्टी की डॉल देता है। पर घर पर आते ही जेसिका उसको डॉक्टर के बारे में बताती है कि आज मेरे अंकल मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं, जिस पर लॉरिस उससे कहता है कि फिर तो हमको उनके लिए कुछ सामान लाना चाहिए। लॉरिस जेसिका के साथ बाहर घूमने जाता है जहाँ वो जेसिका को एक मॉल में ले जाता है और वहाँ से उसको सामान चोरी करना सिखाता है, जिसमें जेसिका को भी खूब मजा आता है। जेसिका को लॉरिस उसकी बातों और उसकी हरकतों से अब वो सीरियल किलर जैसा नहीं लग रहा था, वो धीरे धीरे उसको जान रही थी। घर वापस आकर लॉरिस सबके लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी अपनी वाइफ को लेकर लॉरिस के घर आ जाता है, पर उसकी वाइफ को लॉरिस के घर जाते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर के बताए मुताबिक वो एक बहुत खतरनाक किलर है जो औरतों को ही मारता है। पर जैसे तैसे डॉक्टर उसको मनाकर अंदर ले ही जाता है। अंदर जाकर डॉक्टर और जेसिका लॉरिस को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं डॉक्टर की वाइफ वॉशरूम चली जाती है जहां गलती से लॉरिस के हाथ से उसके सामने चाकू उसकी तरफ गिर जाता है, जिससे उसको लगता है कि वो उसको मार देगा, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर तभी डॉक्टर वहाँ जाता है जो लॉरिस से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर उसको एक कमरे में ले जाता है और उसके ऊपर हर जगह तार लगा देता है ताकि उसकी जांच कर सके। लॉरिस को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, पर तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर ने लॉरिस के ऊपर हर जगह तार बांध रखे हैं, जो उसको सही नहीं लगता। उसके हिसाब से ये अब लॉरिस के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा था। वो लॉरिस को वहाँ से उठाकर ले जाती है। इस पूरे टाइम लॉरिस को ये लगता रहता है कि डॉक्टर उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। अब बाहर जाते ही डॉक्टर की वाइफ भी लॉरिस को एक बार फिर से देख लेती है और वो डरकर उसके घर से भागने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी वहाँ से जाना पड़ता है। वो जेसिका को अपने टेस्ट के रिजल्ट्स दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहता है। अब अगले दिन लॉरिस का इंटरव्यू होता है। उसे अपने सामने बैठे लोगों की एक भी बात समझ नहीं आती है क्योंकि वो सब चाइनीज में बोल रहे थे, इसीलिए उसे इस नौकरी के लिए अनक्वालिफाइड बता दिया जाता है। उसके साथ यहाँ उसका चाइनीज लैंग्वेज का प्रोफेसर और जेसिका भी आए हुए होते हैं। लॉरिस बाहर आकर उनको बताता है कि उसे अंदर बैठे लोगों में से किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं चुना। लॉरिस अपने प्रोफेसर की वो लकी डॉल उसको वापस दे देता है और कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मुझ पर काम नहीं कर रही। वहीं अब घर जाकर लॉरिस अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढने लगता है। वहीं जेसिका भी अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे नहीं लगता कि लॉरिस कोई सीरियल किलर है। उसके हिसाब से पुलिस चीफ और डॉक्टर ने शायद लॉरिस को कोई और ही समझ लिया है। जेसिका को अब धीरे धीरे लॉरिस से एक लगाव हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से लॉरिस एक अच्छा आदमी है। जेसिका अपना सामान पैक कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो कि उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव ड्रेस लेकर आया था। वो जेसिका से आखिरी बार लॉरिस को सीड्यूस करने को कहता है। जेसिका भी उन कपड़ों को पहनकर वहाँ पर बैठ जाती है। जैसे ही लॉरिस उन कपड़ों में जेसिका को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। लॉरिस जेसिका के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ उसकी तारीफ करता है, जिसको सुनकर जेसिका उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज मुझे मत रोकना। लॉरिस उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है, पर गलती से जेसिका वहाँ पर अपना टेप रिकॉर्डर छोड़ जाती है। लॉरिस उसे वापस देने के लिए जाने लगता है, पर वो टेप रिकॉर्डर
रिकॉर्डर उससे ओपन हो जाता है। उसमें जेसिका की एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो ये बोलती है कि वो लॉरिस को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो यहाँ से जा रही है क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों एक नहीं हो सकते। लॉरिस ये सुनते ही भागा भागा उसको रोकने के लिए जाता है, पर पुलिस स्टेशन में चीफ को ये पता चल जाता है कि शहर में एक खून और हो गया है, इसीलिए वो अब और ना रुकते हुए लॉरिस को मोस्ट वांटेड में डालकर उसको फौरन पकड़ने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से तो वही खूनी है। जेसिका भी वहाँ पर बैठी होती है। चीफ उसको भी सुनाता है कि अगर तुम लॉरिस को पकड़ लेती तो ये खून ना होता। जेसिका अपने और लॉरिस के बचाव में कुछ कहने की कोशिश करती है, पर चीफ इस टाइम किसी भी बात को नहीं सुनता, उसे अब बस लॉरिस को पकड़ना था। उधर लॉरिस को जेसिका कहीं नहीं मिलती, वो एक जगह खड़े होकर टीवी देखने लगता है, पर जैसे ही टीवी पर उसके मोस्ट वांटेड का पोस्टर दिखाया जाता है तभी वो अपना मुंह घुमाकर घर जाने लगता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता कि इस शहर में आखिर चल क्या रहा है। उसकी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर और लोग खड़े होते हैं। लॉरिस उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो। वो लॉरिस के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीरियल किलर रहता है, जिस पर लॉरिस कहता है कि यहाँ पर तो मैं रहता हूँ। तभी सब लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर इससे पहले वो उसको पकड़ पाते वो वहाँ से भागकर अपने प्रोफेसर के घर चला जाता है जहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहीं जेसिका क्राइम सीन पर जाती है और ये सोचने लगती है कि क्या सच में ये खून लॉरिस ने किया होगा, पर वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगा। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उसका पैर वहाँ क्राइम सीन पर पड़ी एक डॉल पर पड़ता है। वो उसको उठाकर देखती है तो वो थोड़ी सी शॉक रह जाती है क्योंकि ये वही डॉल होती है जो लॉरिस के प्रोफेसर ने लॉरिस को दी थी, पर लॉरिस ने तो उसको वो वापस दे दी। वो फौरन सभी पुलिस वालों को लेकर प्रोफेसर के घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपने घर में आता है जो थका हुआ और पसीने में था। वो लॉरिस को अपने घर में एकदम से देखकर थोड़ा डर जाता है। लॉरिस उसको बताता है कि सब लोग मुझे एक सीरियल किलर समझ रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पर मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। तभी प्रोफेसर अपने कपड़े उतारता है जिसके कपड़ों में एक नकली हाथ निकलता है और उसके कपड़ों पर काफी मिट्टी लगी होती है। लॉरिस को ये सब चीज अजीब लगती है। तभी लॉरिस का ध्यान प्रोफेसर के कपड़ों पर लगे खून पर जाता है जिसको देखकर वो डर जाता है। वो समझ जाता है कि प्रोफेसर ही वो सीरियल किलर है जो लोगों को मार रहा है, पर इससे पहले प्रोफेसर लॉरिस को मार पाता इतने में ही वहाँ पर जेसिका अपनी टीम के साथ आ जाती है और वो प्रोफेसर को रंगे हाथों पकड़ लेती है जिससे बेचारे लॉरिस की जान बच जाती है। जिसके कुछ दिन बाद सब लोग लॉरिस से माफी मांगते हैं। जेसिका और लॉरिस भी एक साथ होते हैं। जेसिका उसको सारी बातें बता रही होती है कि कैसे वो उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर जेसिका अपनी इन सभी हरकतों के लिए लॉरिस से माफी मांगती है। पर तभी लॉरिस जेसिका को प्रपोज कर देता है। जेसिका भी उसको हाँ बोल देती है और वो दोनों एक कार के पीछे बैठकर किस करने लगते हैं। पर तभी उस कार का मालिक वहाँ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। जेसिका और लॉरिस हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।